हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो ग्रिल सैंडविच। बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आती है और हमें भी एकदम बाजार जैसी खाने का मन हो तो इस तरह से आप बनाएं तो एकदम बाजार जैसा टेस्ट आएगा। अगर आपको ये रेसिपी जाननी है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से ही मिल जाए। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बटर का लिया है, उसको मैंने अच्छे से बाफ लिया है और उसकी स्किन पिल ऑफ कर ली है। उसके बाद अच्छे से उसे स्मैश कर लेना है हमें। उसके बाद हमें कढ़ाई में तेल डालना है। यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून तेल डाला है। तेल गर्म हो जाए उसके बाद हमें इसमें जीरा डालना है। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जीरा डाला है। राई डालेंगे, हींग डालेंगे, पिंच ही हींग डालेंगे हम। अच्छे से हमारा तेल आ गया है, उसके बाद हम उसमें ऑनियन डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 ऑनियन ली थी, उसको अच्छे से बारीक कट कर लिया है हमने, और अच्छे से हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। हम सभी को बाजार की सैंडविच बहुत पसंद आती है। हम कहते हैं कि बाजार की बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आप इस तरह से मेरी टेक्निक से बनाएंगे ना तो एकदम बाजार जैसी क्रिस्पी हमारी सैंडविच बनेगी। उसके बाद हमें यहाँ पे हरी मिर्च डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाली है। अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। अच्छे से सब कुछ पक जाए उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें डालेंगे और अच्छे से हिलाएंगे, जिससे कि अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से सब कुछ पक जाए उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया है, उसको अच्छे से कट कर लिया है। बच्चों को भी टिफ़िन में सैंडविच बहुत ही पसंद आती है। वो स्कूल जाके देखते हैं कि टिफ़िन में सैंडविच है तो वो पूरा फिनिश करके ही आता है। इस तरह से अलग अलग हम लंच बॉक्स में भरेंगे तो बच्चों को पसंद भी आएगा। अच्छे से सारा कुछ मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड ज़्यादा और कम कर सकते हो। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हमें यहाँ पे किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला ऐड किया है, जिससे कि अच्छा सा टेस्ट आए। उसके बाद जो स्मैश करके हमने पोटैटो रखे थे वो इसमें डाल देंगे और अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मसाला बनाने से क्या है कि वो बहुत ही टेस्टी बनता है। हमारा मसाला हम एकदम धीमी आंच पर फ्राई कर लेंगे और अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें शुगर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून शुगर डाली है। ये ऑप्शनल है, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। नींबू का रस हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नींबू का रस ऐड किया है।
अच्छे से सारा कुछ हम मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी है। उसके बाद हम बिग साइज़ की ब्रेड ले लेंगे। आप कोई भी ले सकते हो, व्हीट ब्रेड या नॉर्मल मैदा की ब्रेड। और उसमें हम टमाटो केचप लगा लेंगे, एक लेयर हम उसका करेंगे। दोनों ब्रेड्स में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे टमाटो केचप को। उसके बाद इसमें हम लेयर करेंगे मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था उसका। अच्छे से हम स्टफ करेंगे जैसे कि अच्छा सा टेस्ट आए। दोनों में इस तरह से हम अच्छी तरह से स्टफ कर लेंगे। उसके बाद ऊपर से हम ब्रेड रखेंगे। इसमें हम चाहे तो चीज भी डाल सकते हैं, चीज बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। यहाँ पर मैंने क्यूब को अच्छे से छीन लिया है जिससे कि अच्छा सा चीजी हमारी सैंडविच प्रिपेयर हो। उसके बाद ऊपर से हम एक ब्रेड रख देंगे और ऊपर से हम बटर लगा देंगे जिससे कि अच्छे से क्रिस्पी हमारी सैंडविच प्रिपेयर हो। एकदम प्रॉपर तरीके से स्प्रेड करना है हमें बटर जिससे कि क्रिस्पी हमारी सैंडविच हो। उसके बाद हमें ग्रिल मशीन में रख देंगे। आपके पास ग्रिल मशीन हो तो अच्छा है, और अच्छे से हम इसमें ग्रिल करने रख देंगे। नॉर्मल वाला मशीन हो तो भी चलेगा। अच्छे से हम ग्रिल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रिल पोटैटो सैंडविच रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाना। मिलते हैं नई रेसिपी लेके।